हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम एच पी द्वारा कंडक्टेड क्लर्क एग्जाम पोस्ट कोड है 839 जो कि हुआ था 17 अक्टूबर 2021 को का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे यह वीडियो दो या तीन पार्ट्स में होगी एंड दिस इज पार्ट वन ऑफ दिस वीडियो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन इंट्रोड्यूसिंग ए मैन ए वूमेन सेज हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिताजी की इकलौती लड़की है उस पुरुष से उस महिला का क्या संबंध है देखिए मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है वुमेन ठीक है तो हिज वाइफ यानी कि मैन की वाइफ ठीक है मैन की जो वाइफ है वो इकलौती लड़की है वुमेन के फादर की माई यहाँ पर मतलब क्या है वुमेन के फादर की यानी कि वो वुमेन खुद हुई तो मैन की वाइफ हुई वुमेन यानी मैन मैन क्या हुआ man हुआ उसका हस्बैंड तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर टू इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर सब एंड कोऑपरेशन बिटवीन द नेवीज तो इंडिया ने जनवरी 2021 में सिंगापुर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था फॉर सब मेरीन रेस्क्यू सपोर्ट क्वेश्चन नंबर थ्री डेजर्ट नाइट ट्वेंटी विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री तो इंडिया और फ्रांस के बीच में डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज आयोजित हुई थी और इस बार पहली बार दोनों तरफ से राफेल विमानों ने इसमें हिस्सा लिया था ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं जनवरी के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन नंबर फोर

उत्तराखंड ने मनरेगा के अंदर काम करने के जो दिवस हैं वो बढ़ा के कर दिए हैं 150 पहले कितने होते थे 100 क्वेश्चन नंबर सिक्स विच कंट्री चेयर द रिसेंट सेशन ऑफ ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड हेल्ड इन जनवरी 2021 तो जनवरी में भारत को इसकी अध्यक्षता मिली थी और भारत की तरफ से तब के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता की थी तो ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवन विच इंडियन यूनियन मिनिस्टर वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद द साहित्य गौरव सम्मान अवार्ड बाई हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को हाल ही में हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक ये उस समय भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे क्वेश्चन नंबर एट विच कंट्रीज मार्श डिगर प्रोब नेम्ड मोल वॉज डिक्लेयर डेड रिसेंटली किस देश के मार्श डिगर प्रोब जिसका नाम मोल दिया गया था उसे मृत घोषित कर दिया गया है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा यूएसए क्योंकि यूएसए की संस्था है नासा और नासा का ये मार्स डिगर प्रोब था जिसको कहा गया मोल ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन आइस तूपा स्वास्थ्य पोर्टल एंड प्रयास डैशबोर्ड विच वर इन न्यूज रिसेंटली द्वारा शुरू किए गए कुछ इनिशिएटिव ठीक है तो so, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर टेन कॉस्कोस द स्टेपल फूड ऑफ विच रीजन हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट कॉस्कोस किस क्षेत्र का मुख्य भोजन है जिसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा उत्तरी अफ्रीका का भोजन है क्वेश्चन नंबर इन न्यूज रिसेंटली फॉर द डिमाइस ऑफ इट्स प्राइम मिनिस्टर इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट अस्वाटिनी जो हाल ही में उसके प्रधानमंत्री की मृत्यु के संबंध में समाचार में था किस महाद्वीप में स्थित है अस्वाटिनी स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट रहेगा नेक्स्ट है इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं करेक्ट स्पेलिंग बतानी है डिटर्मिनेशन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा ससेप्टिबल बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा फिर है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन की स्पेलिंग है ए। ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू ट्वेंटी क्या करना है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पर्सन तो इन फैचुएशन फॉर वेल्थ रून से पर्सन आई हैव लिव इन डेली फॉर फाइव तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ही डिड नॉट गो डैश द होल बुक बिफोर गिविंग हिज ओपिनियन अबाउट इट ही डिड नॉट गो थ्रू द होल बुक तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड तो यहाँ पर आएगा सी हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हार्डली हैड ही अराइव्ड इट स्टार्टिड रेनिंग इक्कीसवें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हार्डली हैड ही अराइव्ड वेन इट स्टार्टेड रेनिंग सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा हार्डली के साथ हम वैन का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से 26 हमें क्या करना है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव विच बेस्ट कन्वेज द मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन ओके ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल उसको हम बोलते हैं रेकल्यूज एकांतवासी वन हु डज नॉट नो हाउ टू सेव मनी तो उसको कहेंगे हम स्पेंड थ्रिफ्ट जो पैसे बचाना ना जानता हो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर समथिंग विच इज नॉट थोरो और प्रोफाउंड तो उसको हम कहेंगे सुपरफिशियल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ए परसन हु मेलेसियसली डिस्ट्रॉयज बाई फायर जो आग लगा देता हो इनसेंडियरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वन हु यूज फियर एज ए वीपन ऑफ पावर जो डर को हथियार की तरह यूज करता हो उसको हम कहेंगे टेररिस्ट सत्ताईस से इकतीस क्वेश्चन तक हमें क्या करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड तो वर्ड है ट्रेजेडी ट्रेजेडी क्या होता है कोई दुखद घटना तो इसका अपोजिट क्या होगा कॉमेडी बीस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा ब्लैट एंड ब्लैट एंड होता है जैसे आउटस्पोकन स्पोकन मुफट ठीक है तो इसका अपोजिट क्या होगा क्वाइट फिर है स्पूरियस स्पूरियस का अपोजिट क्या होगा स्पूरियस का अपोजिट होगा जेनविन तो स्परियस होता है बनावटी इसका अपोजिट होता है रियल रियल मतलब जेनुन क्वेश्चन नंबर थर्टी इम्पाउंड इम्पाउंड होता है जब्त करना तो इसका अपोजिट हो जाएगा रिलीज ठीक है नेक्स्ट है मेटिकुलस मेटिकुलस का अपोजिट हो जाएगा स्लोवनली ठीक है स्लोवनली मीन्स लापरवाह और मेटिकुलस क्या होता है जो बिल्कुल सतर्कता से काम करता हो ठीक है शुद्ध रूप चुनिए तो करुणापूर्ण करुणापूर्ण सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा शक्तिहीन शक्तिहीन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा देशरत्न तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा श्रमजीवी श्रमजीवी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा निर्विघ्न निर्विघ्न सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ठीक है थर्टी सेवन से फोर्टी वन तक हमें सही अर्थ चुनना है प्रीजाइडिंग ऑफिसर प्रीजाइडिंग ऑफिसर होता है जो पीठासीन अध्यक्ष होता है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लोकल सेस स्थानीय कर बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा गैजेट गैजेट होता है राजपत्र ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव मतलब निवारक बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इन एडिक्वेट जो अपर्याप्त हो रेखांकित में कौन सा समास है तो रेखा से अंकित तो करण तत्पुर है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अधिक का संधि विच्छेद क्या होगा अति जमा अधिक तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फिर है पलंग का तत्सम शब्द बताइए पलंग का हो गया पयंक पर्यंक भी होता है ठीक है प्रयंक होता है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा देश शब्द बताना है कपास जो है वो देश शब्द है बाकी कमीज जो है वो पुर्तगाली शब्द है गमला भी पुर्तुगाली शब्द है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स चंचल का स्त्रीलिंग है चंचल का स्त्रीलिंग क्या होगा चंचला सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गिरी का बहुभजन गिरी ही रहेगा मीठे का हो जाएगा मिठास तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साहस का विशेषण हो जाएगा साहसी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उल्लू का प्रायवाची पेचक रहेगा कपोत होता है कबूतर विलाप में प्रत्यय बताओ विलाप में प्रत्यय है आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू द इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशंस विद इजिप्ट ग्रीस सिलोन और मिसोपटामिया तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध थे मिसोपटामिया के साथ जो कि वर्तमान में आज आज के टाइम में जिसको हम इराक के नाम से जानते हैं और, और कुछ हिस्सा इसमें कुवैत तो और सीरिया का भी शामिल है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री ब्राह्मणाज आर बुक दैट डील विद ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध है किसके साथ रिचुअलिज्म के साथ, साथ? कर्म कांड के साथ बीस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था द फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म कहाँ हुई थी जैनिज्म पाटली पुत्र में फर्स्ट काउंसिल हुई थी राजगिरा में किसकी हुई थी बौद्ध धर्म की फाइनली थ्रोन बाई शक साम्राज्य कौन थे इन्होंने उखाड़ फेंका तो ये थे सातवान वंश के सम्राट पुत्र पुत्रणी तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट है खारवेला रूल्ड ओवर खारवेल ने शासन कहाँ पर किया था कलिंग पर शासन किया था खारवेल ने वतापी वाज कैपिटल ऑफ चालुक्य चालुक्य वंश की राजधानी थी वतापी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन मार्केट कंट्रोल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन मेडिवल इंडिया बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार किसके द्वारा लाया गया बाजार नियंत्रण लाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इसके अलावा जो राशन प्रणाली व्यवस्था है वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाई गई थी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी कबीर वाज द डिस्पल ऑफ कबीर इनके शिष्य थे रामानंद जी के सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बहमनी किंगडम वाज़ फाउंडेड बाय बहमनी साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा हुई वैमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा हुई थी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह इज पटना डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में क्वेश्चन नंबर थ्री चेन ऑफ जस्टिस न्याय की जंजीर किसके द्वारा स्थापित की गई जहांगीर के द्वारा स्थापित की गई थी कहाँ की गई थी आगरा फोर्ट में लंबाई उसकी थी आठ फुट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर द सी रूट टू इंडिया वॉज डिस्कवर्ड इन सी रूट चौदह सौ अठानवे ईस्वी में खोजा गया था समुद्री मार्ग भारत तक पहुंचने के लिए इसने खोजा था वास्को डी

गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया था क्वेश्चन नंबर 68 मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन ईयर मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग किस वर्ष की 1940 में और 1947 में मांग पूरी भी हो गई क्वेश्चन नंबर 69 नाइन द डॉक्टर ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस बाय हड़प नीति ऑफ डॉक्टरिन किसके द्वारा लाई गई थी लॉर्ड डलहोजी के द्वारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लॉर्ड डलहोजी भारत के गवर्नर जनरल थे कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल थे 1848 से लेकर के 1856 तक ठीक है ये भी आपको याद रखना है अठारह की क्रांति का एक कारण डॉक्टर ऑफ लैप्स भी था ठीक है क्वेश्चन नंबर द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज हिंद स्वराज के लिए कौन है वेरी इंपोर्टेंट महात्मा गांधी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ लॉर्ड लिनलिथ गो के समय में क्रिस मिशन भारत में आया था 1942 मार्च 1942 में क्रिस मिशन भारत में आया था क्वेश्चन नंबर 72 द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड या इलेक्टेड टू द राज्यसभा वाज प्रथम महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा के लिए नामित या चयनित की गई थी नरगिस दत्त ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पहली फीमेल फिल्म स्टार थी जो कि राज्यसभा के लिए नामित हुई थी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द लोकसभा लोकसभा में किस राज्य के सदस्य सबसे ज्यादा आते हैं तो यूपी से सबसे ज्यादा सदस्य आते हैं कितने आते हैं एटी ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कम्पोज ऑफ भारतीय संसद में शामिल है तो इसमें है भाई लोकसभा भी है राज्यसभा भी और राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का हिस्सा है तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाई पार्लियामेंट डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति को किसके द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है संसद के द्वारा ठीक है विच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश किस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश राज्य आता है तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है अरुणाचल प्रदेश राज्य क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडेड बाय अमेंडमेंट भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया तो प्रथम संशोधन द्वारा नाइन्थ शेड्यूल जोड़ा गया ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नाइन्थ शेड्यूल जोड़ा गया उन्नीस में क्या है इस शेड्यूल में इसमें लिस्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लॉज है विच कैनॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू द भारत का चुनाव आयोग इनमें से किस चुनाव को नहीं करवाता है जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं जो म्यूनिसिपैलिटी के और पंचायत के चुनाव होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं कराता है तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट है विच बिकेम द ट्वेंटी फिफ्थ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इनमें से कौन सा भारतीय संघ का पच्चीसवा राज्य बना तो गोवा पच्चीसवा राज्य बना भारत संघ का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर एटी काउंसिल इज चेयर इंटीग्रेशन काउंसिल की अध्यक्षता कौन करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं सी इस क्वेश्चन का right answer रहेगा कब बनाई गई थी ये काउंसिल 1961 में ठीक है क्वेश्चन नंबर 81 वन विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए स्टेट इनमें से क्या एक राज्य का मूल तत्व नहीं है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा राष्ट्रीयता नेशनलिज्म राज्य का मूल तत्व नहीं है क्वेश्चन नंबर 82 टू भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को बताता है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर एटी थ्री द मैक्सिम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है टू फिफ्टी डी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दो सौ अड़तीस जिसमें इलेक्टेड मेंबर हो सकते हैं और बारह उसमें नॉमिनेटेड मेंबर हो सकते हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है 250 क्वेश्चन नंबर 84 विच रिट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सी याचिका विशेष रूप से भारतीय संविधान में निहित नहीं है तो व्यादेश या इंजनक्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन पंचायती राज शामिल है राज्य सूची में 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच